Guys, laundry. और ये हो गया, ये जो प्लास्टिक बॉक्स है इसमें आज खाना लेके आएंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, जय श्री राम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरा चैनल सार 24 ब्लॉग्स में। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त समीर रखा ले रहा है। तो दोस्तों, आप लोग मालूम है फिलहाल मैं इसराइल में हूँ। तो इसराइल को लेके जो भी यहाँ का सिचुएशन है वो सब तमाम चीज़ें आप लोग साथ शेयर करने को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंकफुल आप लोगों का प्यारा सपोर्ट के लिए। तो गाइज, आज मैं अपना एम्प्लॉयर के साथ और एम्प्लॉयर को कौन सा बीमारी और केयर कीपर का क्या क्या ड्यूटी रहता है आज फिर से आज के इस नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, वीडियो की स्किप मत कीजिए। जो भी जितने भी मेरा व्यूअर्स इंडिया से इसराइल केयर कीपर के लिए आना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम आएगा। और आने वाले वक्त में आप लोग में हिब्रू लैंग्वेज का भी जो भी एक रेगुलर यूज होता है, जो जितना भी वर्ड है वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ में वो सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो ये चेक करें, रुबेन को है यह कार लेकर, हाँ, ये लॉन्ड्री गंदा कपड़ा लेके जाने का है। अभी सुबह से इतना ज़्यादा बारिश होना गाइस, तो अभी जस्ट देखिए जमीन देखिए पूरा पानी। अभी जस्ट एक दो मिनट हो गया कि यहाँ पे धूप खिल गया। इसराइल में ऐसे रहता है, चेक करें, पानी जम गया पूरा। हे प्रभु, हे हरे राम, श्री कृष्ण प्रेम आनंद, ये क्या हुआ, ये सब चेक करें। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर बनने जा रहा है। और ये है डल खोर्शानी, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करने को बनता है। ये चेक करें गाइस, इतना बड़ा हो चुका है डल। और इस प्लांट को लगाया मैंने गमला में, प्लास्टिक का जो गमला है। यहाँ पे सब काम नहीं चल रहा है। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को फिर से वो तमाम चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, चलो रुबेन, याला रुबेन, याला पो नखोन लेन एफ ओ लोखिम एफ ओ आता रोचे एफ ओ एफ ओ एफ ओ मोतेक अनि ओए बोतका एफ ओ आता रोचे ल्यान ल्यान अनि लोमी बिन निने पो लो आता उमेर यल्ला पो यल्ला पो माजे अनि लोमी बिन एफ ओ आता रोचे केन निने पो याला। ओके, तो आप लोगों को बता दूं मेरा एम्प्लॉयर फिर से ये चीज़ें आपको साथ शेयर करूँ। डिमेंशिया करके एक बीमारी है इनको, जो कि अगर रुबेन के बारे में फिर से आप लोगों को बता दूँ, रुबेन एक प्रोफेसर है, था पीएचडी किया हुआ है फिलोसॉफी में, दार्शनिक शास्त्र में। तो और इन्हें फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आता है, फ्रेंच बहुत बढ़िया बोलते हैं। और फ्रेंच फ्रांस को ये लोग चौफतित बोलते हैं इन लोकल लैंग्वेज में। और भारत इंडिया को होदू, इजरायली लोग हमारा भारत को होदू बोलते हैं। होदू का मतलब है भारत, तो कुछ ऐसा है। तो अभी हम लोग पहले लॉन्ड्री जाएंगे, लॉन्ड्री के बाद हम लोग जाएंगे खाना लेने। और डिमेंशिया के बारे में आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। डिमेंशिया एक मेंटल डिसऑर्डर डिजीज़ है, जो कि बुढ़ापा होने के साथ साथ ही ये बीमार कॉमन दिखाई देता है इसराइल में। हर किसी को ये बीमारी है, मालूम नहीं ये बीमार, मैं इधर ही आके देख रहा हूँ शायद हेरिडिटी रहेगा क्या रहेगा। मगर डिमेंशिया का पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करने का है, डिमेंशिया बीमार क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इनको
स्मूथली हैंडल कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें, सॉरी वो तमाम चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। ये गिर गया गाइस, तो बने रहे चैनल में। अगर आप लोग नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। अभी आप लोग देखना मेरा एम्प्लॉयर अभी खाना खा के कंप्लीट भी नहीं हुआ, वो उठ के जाने का वो बोल रहा है। ना कर रहा रुबेन सेव नो अता होचे मा रोचे इने पो हां केन मा केन केन ओद में तो सेव पो सेव यस खदुरिम अक्सा बता इने तो खा नो एना पो अता लो के ला मा तो कॉलेज में मुक दम ये शो पो लो सेव पो सेव सेव ओके गाइस अभी आप लोग देखना फिर से वो बुलाने लगेगा। अलान केन 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 इफ्शाओ लामा ओके तो से पो पो हो से पो अच्छे बेटा एस खदुरिम ओके खदुरिम मतलब दवाई है का माइन माइन का मतलब है पानी क्या तो अभी लंच बिशेद क्या पो क्या कैन 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 काम आयस इने पो काम आयस वन टू थ्री थ्री काम इने पो वन टू थ्री कैन फोर इने पो एक हाथ इस टाइम अरबा कैन सालों सरबा कैन कैन इने पो इने पो कैन इने पो अतबा अतबा अनिबा अनिबा ओके אז אני אבוא עושה פה, שייר? בסדר, אוקיי. לאט לאט. יאללה פה. אבי רובן בעזה כבית נוואלה. בעזה כבית שגע. בעת נאו. יש שם נאו גרפ לוק דייך ראו, תגלי יהיה פי חדה. הלאה. תו דר זה כבית כבית. עוז דייתה רגע. אה? יפו? כן, כן. תו גייס. आप लोगों ने देखा रूबेन ना okay. खाना कंप्लीट पे नहीं करता फिर से बाहर जाता है, मगर ये क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है कि उनका जो दिमागी हालत है ना ठीक नहीं, मेंटल डिसऑर्डर होता रहता है, कभी कभी मूड स्विंग होता रहता है। डिमेंशिया का जो पेशेंट रहता है उन लोगों का मूड स्विंग होता रहता है, और ज़्यादातर सिर्फ रूबेन को मैं ही चाहिए। जब भी मैं छुट्टी पे जाता हूँ उस टाइम बहुत टफ रहता है, क्योंकि मुझे कोई एक बंदे को बंदा या बंदे किसी को भी यहाँ पे रिप्लेस करके छुट्टी पे जाना पड़ता है। तो ये अभी के टाइम पे यही मेरे को दिक्कत है कि मैं किस तरीके से उस आदमी को अरेंज करूँ। तो डिमेंशिया में वो मेंटल डिसऑर्डर आप लोगों को बता चुका हूँ इसका मतलब क्या है। इनका जो फैमिली मेम्बर है ना उनको भी बराबर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते वो आज के टाइम पे। आते जब थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे 5-10 मिनट तभी थोड़ा बहुत पहचानने लगता है। तो जब भी इनका बेटा आता है गाल तो उनको पहचानते हैं, मगर गाल कोइन अगर मैं पूछूं गाल कोइन कौन है वो नहीं बता पाते, ऐसा रहता है। अभी PhD पढ़ा लिखा आदमी इतना बड़ा आदमी है यार, अभी जाके जब इनके साथ में इतना टाइम से टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ना, हर दिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ, करना पड़ता है क्योंकि ये काम जो है नर्सिंग का काम है, ये एज ए केयर गिवर नहीं गाइस, यहाँ पे बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज का काम रहता है। हम लोग को जो एक नर्स काम करते हैं ना हॉस्पिटल में सब वैसे ही काम रहता है, सब खुद से काम करता है। तो अभी आप लोग मेरा बैकग्राउंड में सुन रहा हो हालान हालान करते दिन भर ऐसा करता रहता है रूबेन। तो ये सब चीज़ें हम लोग को करना पड़ता है, इतना इजी काम नहीं रहते यहाँ पे। मगर मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ ये काम जो है ना एक ब्लेसिंग वाला काम है, इन लोगों का दुआएं
मिलेगा हम लोगों को। अभी मेरे अलावा एक सेकेंड भी रूबेन इधर उधर नहीं करता, क्योंकि उसको हमेशा मेरे को ही चाहिए, मुझे ही चाहिए। जब मैं अगर मैं वॉशरूम भी जाऊँगा, रूबेन में अगर मैं वॉशरूम जा रहा हूँ फिर भी वो पीछे पीछे आता रहता है। मैं किचन पे काम करता हूँ वहीं पे आता रहता है। अब मैं टीवी लगा देता हूँ, टीवी भी बराबर देखने का उसको दिल नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता ना, ये सब चीज़ें रहता है गाइस। और दवाई, दवाई तो आप लोगों को बहुत बार चिखा चुका हूँ, पूरा शेड्यूल रहता है दवाई का, दवाई भी देना पड़ता है। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसराइल में अगर कोई भी केयर गिवर आ रहे थे, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ, आप लोग केयर गिवर के लिए अगर आ रहे हो तो आप लोगों को क्लास करना है कंपलसरी। अगर आप लोग जब तक क्लास कंप्लीट नहीं करोगे, आप लोगों को इसराइल केयर गिवर के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अभी मैं मुझे तो इतना टाइम से मेरे को आदत भी हो गया है, मगर कोई नया बंदा आता है ना तो दिन भर वो यल्ला बो ऐसा बोलते रहते हैं ना, सर चकरा जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। अभी फिर से घुमाने के लिए लेके जाऊंगा रूबेन को, तो आज पूरा मैं रूबेन के ही बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, अगर आप लोग आ रहे इधर तो आपको बहुत काम आने वाला ये वीडियो। आप लोग आ रहे हो तो काम यही मिलेगा आप लोगों को, इससे जटिल और इससे भी टफ वाला जॉब मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। अब तरोए ले माला। अरे गाइस, यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है कि पूरा हिमालय की तरह दिख रहा है। एक्चुअली अभी सनसेट हुआ नहीं, मगर अभी बारिश हो आज कल परसों तक बारिश दिखा है, तो इसकी वजह से काला बादल, पूरा काले बादल। माँ रहता है गाइस यहाँ पे मेरा, मगर आप लोगों को बहुत बार दिखा चुका हूँ, मेरा ही नहीं जितने भी केयर गिवर के लिए आते हैं सबका ऐसे काम। वहाँ आता हूँ मैं, माँ सुमदाबा रे सुमदाबा तो। अरे चेक करे रूबेन अभी ठंड महसूस कर रहा है। सब लानो नो नो ओय ओय ओय। तो गाइस ये चेक करें, अगर हम लोग के वहाँ पे देखें ना गांव में, सिमिलरली यहाँ पे ना हर एक वो कॉलम पे बेंडिंग वायर से बेंड किया रहता है, मगर ये लोग पूरा झलाई करके रखा है, पहले से पूरा रेडी है। और ये सामान देख चेक करें, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी हम लोग घर आ चुके हैं, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना काम हो चुका है। ये चेक करो गाइस, पूरा ये इनसाइड है, और इसके बाहर भी और एक ढलाई आएगा और एक रॉड आएगा। अरे चेक करे, ये जो पिलर दिख रहा है पूरा है फलाम का। आरबेल, वाह वाह वाह। तो ये पूरा लोहा का है, लोहा। ये खिड़की है गाइस रेडीमेड, चेक करे, ये पूरा लोहे का बन के आता है, लोहे नखोन। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि रूबेन को मैं ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि रूबेन डिमेंशिया का पेशेंट है। तो ऐसा ही है, हर दिन कभी कभार खुश रहता है,
जब भी इनका मूड स्विंग होता है वो तभी वो उस टाइम दिक्कत रहता है। तो ये सब आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए बना रहा हूँ आज के रैंडम ब्लॉग। तो कल नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल में। अगर आप लोग नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इज़राइल का लाइफ ऐसा ही गाइस, दिन भर अपने एम्प्लॉय के साथ रहने का है, खाने का है और मच तो रहता ही है, काम ही ऐसा है यहाँ पे। अभी मैं दोस्त के घर पे लेके गया था, वहाँ पे चलो 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 वेट एक पैसेंट नहीं था। अभी भी ये चेक करो, मकरा विषेदर माता रोचे उदमाशु हल से पो विषेदर ओके बाय बाय लैला तो बाय लिट्रा थैंक यू गाइस बाय बाय सी यू अगेन इन नेक्स्ट ब्लॉग।